पलपल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। भारत के चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि शुक्रवार के दिन और मुख्य त्योहारों के दिन वोटिंग को अलग रखा गया है। रमजान महीने में लोकसभा चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को अपनी सफाई पेश की है। ANI एजेंसी के अनुसार चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि आगामी चुनाव में शुक्रवार के दिन वोटिंग नहीं रखी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे दिन पूरे महीने चुनाव ना हो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि रमजान के समय में भी चुनाव रखे गए हैं, हालांकि मुख्य त्योहार की तारीख शुक्रवार के दिन वोटिंग को बिल्कुल अलग रखा गया है। उल्लेखनीय है कि भारत के चुनाव आयोग की ओर से मुख्य तारीखों के ऐलान के बाद कुछ नेताओं ने रमजान में लेकर चुनाव पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान ने ट्वीट करके कहा कि 12 मई को दिल्ली में रमजान होगा, ऐसे में मुसलमान कम वोट देंगे, फायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने रविवार को आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव का पहला चरण 11 अप्रैल को ही होगा, वहीं 7वां वो आखिरी चरण 19 मई को होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा 23 मई 2019 को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।